आवश्यक सूचना: इस वीडियो में कुछ दिल दहला देने वाले दृश्य हैं, कृपया कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। हमारी सूचना के अनुसार इस वर्ष की यात्रा में 10 जुलाई तक करीब 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कुछ लापता हैं। हिमालय नमित उनकी आस्था की सिरोधर कर सभी परिवार वाले जिन्होंने अपने सदस्य खोए हैं उनके प्रति संवेदना रखता है। हर हर महादेव। भारत वर्ष में शिव के अंश के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन आज हम आपको उस उच्च स्थान पर लेके चलते हैं जहां पर खुद देवों के देव महादेव निवास करते हैं। आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे कठिन और खतरनाक यात्रा, जहां महादेव की मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता। 5 डेथ हो गई हैं। बारिश ऊपर ऐसे ही। तो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। आप सभी भाई लोगों का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और आज से हमारी श्रीखंड कैलाश यात्रा जो है स्टार्ट होने वाली है ऑफिशियली, और हमारी भी, क्योंकि आज से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो बस यहाँ पे सुबह हो चुकी है, हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं। देखिए बैग वैग लटका हुआ है, ये निष्कर्ष भाई हमारे ऑलरेडी रेडी हुए हैं। और जहाँ हम रुके थे जाऊँ विलेज में, जैसे ही आप जाऊँ विलेज में एंटर करते हो, हमारे नीरज भाई हैं यहाँ पे। हर हर महादेव नीरज भाई, भोले जय भोले की। ये नीरज भाई हैं जिनका यहाँ पे पार्किंग वगैरह और होटल्स वगैरह भी है जो सही रेट पे, भाई उन्होंने बहुत सही रेट पे होमस्टे दिया। होमस्टे है, खाना भी अच्छा है और बाकी सारी व्यवस्था, मतलब व्यू देखो यार सामने का कितना प्यारा है। मतलब स्टे इसलिए भी वर्थ होता है कि व्यू भी अच्छा हो। बस यहाँ से इनसे अलविदा कह के अब हमारे ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अब आपको ट्रैक पे, और बाकी आपको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि कहाँ रुकने की व्यवस्था है, कहाँ खाने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी या कितना चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो मिलते हैं आपको ट्रैक पे और चलते हैं। जय भोले की, हर हर महादेव। तो भाई साहब यहाँ पे रास्ते में निकलते, यहाँ पे ये माँ गौरा का मंदिर पड़ता है, 50 मीटर ही है ऊपर। यात्रा करने से पहले कहते हैं कि इनकी परमिशन लेनी पड़ती है ताकि हमारी यात्रा जो है मंगलमय हो, सफल हो। तो बस हम जाके थोड़ा मंदिर में आशीर्वाद लेते हैं, मत्था टेकते हैं और माता गौरा से ऊपर जाने की अनुमति लेते हैं ताकि हमारी यात्रा जो है शुभ रहे। माना जाता है कि यात्रा शुरू करने से पहले जो गौरा माता का मंदिर है वहाँ पे जाके सभी यात्रियों को वहाँ पे गौरा माता के मंदिर में दर्शन करने चाहिए ताकि उनकी यात्रा जो है मंगलमय। तो भाई साहब यात्रा जो है जाओ विलेज से हमारी जो है अगला जो स्टॉप है सिंघाड़, यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर के रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ से रास्ता जो है नॉर्मल है, बट साइड में हमारे जो है नदी चल रही है। अगर आप लोग देख पा रहे हो नदी का शोर, और रास्ता ठीक है बट कीचड़ वाला है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो इस वजह से। बट अभी ये कोई चढ़ाई वढ़ाई नहीं है, अभी ये हल्का सा ढलान सा है तो उसी में चल रहा है। चैनल पे जो नए हैं वो सारे सब्सक्राइब कर लेना और महादेव का नाम कमेंट में ज़रूर एक बार लिखना। हमारे सारे भाई लोग जो महादेव के भक्त हैं, वहाँ की बेल आइकन दबा दोगे तो सारी अपडेट्स आने वाले इन फ्यूचर है वो भी मिलती रहेगी। तो चलो धीरे धीरे यात्रा आगे की ओर बढ़ाते हैं और बस आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं बाबा कैलाश के, महादेव श्रीखंड। इस यात्रा के दौरान जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे भोजन, चाय, नाश्ता, लंगर वगैरह की व्यवस्था है और बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य जो बराती नाला का आप पानी देख रहे हैं होते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो ये देखो भाइयों, श्रीखंड महादेव ये आ रहे हैं डमरू बजाते हुए भाई साहब। तो फाइनली यार हम लोग सिंघाड़ पहुँच चुके हैं, हमारा 3 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हुआ यहाँ तक। पहला जो हमारा स्टे पॉइंट है जहाँ पे हम चाय नाश्ता करेंगे, और ये देखो यहाँ पे ये भंडारे की व्यवस्था है पूरी। यहाँ पे भाई साहब लोग हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं सबको। ये देखो भाई साहब यहाँ लगी है रजिस्ट्रेशन की लाइन, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना कर किसने करवा रखा हो, ये ऑफलाइन के लिए भीड़ लगी हुई है। और ये सारा मेडिकल का, ये देखो सिंघाड़ भाई साहब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका है। यहाँ पे जो मेडिकल हम नहीं करा के आए थे उसकी भी हमें अप्रूवल मिल चुकी है, जब वही ऑल फिट अब हम ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो रिसीट मिली है रजिस्ट्रेशन की, ये देखो हमारा नंबर है जो 5031।
और निष्कर्ष का 5032 यानी 5000 अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और काफ़ी लोग यात्रा पे आए हैं, भंडारा वगैरह लगा है। ये देखो मेरी फेवरेट चीज़ बनी हुई है, पूरी सब्जी। हाँ, तो प्रसाद लेते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद घोड़े का नाम लेके चलते हैं यात्रा स्थलाजी। सिंहगढ़ से चाय नाश्ता करने के बाद, लंगर का प्रसाद लेने के बाद हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। सिंघाड़ से थाचड़ू तक का सफ़र, जो कि अगले 12 किलोमीटर का सबसे कठिन और मुश्किल रास्ता है, जिसमें आपकी चढ़ाई 70% एलिवेशन पे है। और निष्कर्ष भैया कैसा महसूस हो रहा है? हर हर महादेव। अरे लगी तो रही पक्का कुछ 3 से 4 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम पहुंचते हैं बराती नाला, जहां पे हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वहां के प्रशासन के द्वारा चेक किया जाता है और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे जाना है, कहां पे कितनी मुश्किल हो सकती है। तो ये भी एक बहुत ही फेमस जगह है, स्पॉट है, जिसे कहते हैं बराती नाला। और यहाँ से अब हमारा सफ़र जो है आगे की ओर बढ़ता है। लोगों के मन में प्रेम व्यवहार और जो भोले की भावना और उनके जयकारों को सुनते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। महादेव, महादेव, जय! क्या बात है, इतनी थकावट के बाद भी लोगों के अंदर जोश की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पावर अलग ही है, फुल पावर 24 आवर। तो भाई फाइनली हम लोग कम से कम 9 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और कम से कम ये देखो सारे भाई लोग यहाँ बैठे हुए, रेस्ट करने की जगह है। सारे बोले के एक बार जयकारा लगा दो भाई, तगड़ा महादेव महादेव, करेगी मौज, करेगी मौज, करेगी मौज, महादेव महादेव, शंकर भगवान की जय। ये देखो ये भाई साहब लोग बैठे हैं, हम लोग तो यंग हैं जो सोचते नहीं जा पाएंगे, आप लोगों को देख के सच में मोटिवेशन आता है कि नहीं हम भी कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो भाई साहब बादलों से ऊपर, मतलब कुछ भी नहीं, सब वाइट वाइट हो चुका है। तो यार फाइनली हम अपने जो फर्स्ट स्टे पॉइंट है थाचड़ू, वहां पहुंच गए। और ये देखो जो हमारे पहले दर्शन हुए हैं यहाँ पे श्रीखंड महादेव के। थाचड़ू बेस कैंप वो जगह है जहाँ पर आप पहुँच कर वहाँ से मौसम अगर आपका साथ देता है तो आपके महादेव के दर्शन वहीं से दिख जाएंगे आपको, ये आपकी किस्मत पे भरोसा है। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ पे जिस हिसाब से व्यवस्थाएं थी, सारा खाना पीना रहना हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे प्रबंध था। तो यहाँ पे जो खाने का चार्ज है वो 200 से 400 रुपए के बीच में होता है पर हेड, जिसमें आपको रहना और खाना दोनों की व्यवस्थाएं मिलती हैं, बाकी आप लंगर में खाना भी खा सकते हैं। तो भाई साहब लंगर वंगर खा के सारा सामान वगैरह पैक करके दोबारा थाचड़ू से निकले हैं अगले बेस कैंप, जो कि हमारा काली टॉप है ना भाई। जय शंभू, हर हर महादेव, जय शंभू। तो यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर की जो चढ़ाई है हमारी वो वैसी ही होने वाली है जैसे कि अभी तक हम चढ़ते आ रहे हैं, बट थोड़ा सा उसके बाद जो काली टॉप है उसके बाद थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। भाई लोग भी थे हमारे साथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रास्ता जो है बारिश की वजह से थोड़ा सा कीचड़ कीचड़ सा हो गया है, समझ सकते हो आप लोग कि इतने ऑल्टीट्यूड पे हम ऑलरेडी जा रहे हैं, जो कि हमने सिर्फ वीडियोस में देखा है, बाकी खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वेस्ट जो जाता है एनर्जी का वाइल्ड ट्रैकिंग, इट्स स्पीकिंग। और आप लोगों के लिए हम पूरी इन्फॉर्मेशन ताकि आप लोगों तक पहुँचे कि ये रास्ता मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं, ठीक है। बस आप भोरे का नाम लेते रहते, धीरे धीरे चलते रहें, और बस अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कोशिश ना करें, जहाँ पे आपके इंस्टिंक्ट्स कहें कि रुक जाओ वहाँ रुक जाओ, 4 का 5 दिन लगाओ लेकिन आराम से करो, ऐसा कुछ नहीं है। भोले बाबा कहते हैं जान है तो जहान है। जय शिव शंभू।
हमने पूरा माउंटेन चढ़ के ना फाइनली ये देखो भाई साहब क्या जन्नत है। हमारे हाइट में कोई पहाड़ नहीं है। ये देखो भाई, इसे जन्नत नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। चारों तरफ देखो खुला आसमान, और वो अभी उस सामने वाला पहाड़ दिख रहा है उस पे और चढ़ना है, और पहुंचना कहाँ है, उन पहाड़ों के पीछे। तो बस धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, और प्रॉब्लम यह है ऑब्वियसली ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो सांस थोड़ी सी टूटती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम चल रहे हैं अभी भी। तो भाई साहब ये देखो चारों तरफ बरसात है माउंटेन्स के ऊपर, और वो देखो सामने लोग चढ़ने वाले। ओ भाई साहब ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ फ्रीज हो चुके हैं, सामने स्नोफॉल गिर रही है, और ऑल्टीट्यूड जो हमारा है अभी वो करीबन 15,500 से 16,000 के बीच में। ओ भाई साहब सामने वाले माउंटेन से दिख रहे हैं, सेम माउंटेन पर हम चढ़े हैं ऑन दी अदर साइड। ये पूरा रीज है, बारिश हो रही बहुत ज़्यादा जिस वजह से हमारे हाथ वगैरह काफ़ी फ्रोजन है। बाकी भाई साहब मज़ा तो आ रहा है ट्रैक में यार, देखो बोले बाबा इतनी ईजिली तो मिलते नहीं है। तो बस पीछे देख रहे हो भाई, आई डिड इट एंड देयर इज मच मोर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। देख रहे हो बारिश में भी चले जा रहे हैं भाई साहब। लोग कहते हैं ये चेक करो वो चेक करो, मैं कहता हूँ ये देखो भाई साहब, स्वर्ग की सीढ़ियाँ यहीं से बनाई थी आगे, और ये देखो सामने सारे ग्लेशियर्स, ये सारे ग्लेशियर्स हैं। अब हमें जाना जो है वो उस पहाड़ पे जो देख रहे हो ना उसके पीछे, ये सारा, और ये है काली टॉप जो हम इतना सारा चढ़ के आए हैं। भाई साहब देख रहे हो सब नीचे हैं, बादल भी हमसे नीचे हैं, क्या बताएं हम आपको, दिल खुश हो रहा है बाबा। शरीर तो नीचे छोड़ा है, आत्मा आ गई हर हर महादेव। ये देखो काली माँ का मंदिर है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, जय काली मैया, काली घाटी, टॉप ऑफ द हिल ब्रो, वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड। और पांडे कहाँ गए हम? काली टॉप पहुँचने के बाद 5 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद अब यहाँ से थोड़ा सा बेस्ट पार्ट ये है कि उतराई है भीम तराई तक, भीम द्वार तक, उसके बाद फिर चढ़ाई आएगी। तो बरसात होने की वजह से रास्ता थोड़ा स्लिपरी है, तो हर धीरे धीरे कदम रखेंगे। बाकी हर हर महादेव, चलते हैं महादेव का नाम लेके धीरे धीरे। जय बोले की तराई है, फिसलन है। ये देखो भाई साहब काली घाटी की एक साइड ग्रीनरी और दूसरी साइड ग्लेशियर। और काली घाटी से क्यों कहते हैं कि यहाँ के इवन पत्थर भी आप देखोगे तो, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ मोस्टली ये देखो ब्लैक ब्लैक सारे पत्थर से, इसीलिए इसे काली घाटी के नाम से जाना जाता है। और उतराई इसकी जितनी चढ़ाई मुश्किल थी उससे ज़्यादा इसकी उतराई मुश्किल है, ये देखो आप लोग देख पा रहे होंगे। चलो अंकल आराम से धीरे धीरे, ये काफ़ी ट्रिकी, चलो 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 चलो। अब ये देखो हमें नीचे जाना है, सामने वो ट्रेंड दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये देखो यहाँ जाना है, फिर उसके बाद ऊपर जाके चढ़ाई करनी है हमने, और फिर दूसरी जगह जाना है, ये जगह है, ये देखो अभी इतनी दूर है वो, चलो चलते हैं। भाई साहब कैसे उतरे जा रहे हैं लोग, आराम से उतरना निष्कर्ष, ठीक है बैठ बैठ के उतर जाना कोई दिक्कत नहीं है। काली टॉप के पथरीले रास्ते से धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से उतरने के बाद हम बढ़ते हैं भीम तराई की ओर, जो कि भीम द्वार से पहले आता है। काली टॉप से भीम तराई के बीच कुछ 2 से 3 किलोमीटर के बीच में जो आपकी ढलान है वहाँ पे आपको बहुत ग्रीनरी देखने को मिलेगी, लंगर की व्यवस्थाएँ होगी जहाँ पर आप जो है वहाँ पर लंगर का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो हमने कुछ देर वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े, और यहाँ का नज़ारा देखिए,
कि कितना प्यारा दृश्य है यहाँ पे सामने बादल। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे मौसम और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। मन में एक डर सा था क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ हो चुकी थी, टेंट वगैरह उड़ रहे थे, तो जिस वजह से मन में थोड़ा सा डर आता जा रहा था क्योंकि बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते जा रहे थे, लोगों का साथ मिलता जा रहा था, लोगों की मदद मिलती जा रही थी और करते जा रहे थे। ऐसे धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते हम आगे की ओर बढ़े जहाँ पे हमें जाना था भीम द्वार। पर भीम द्वार से पहले हमें सामना करना था कुछ बड़े वाटरफॉल्स का, जिसमें से दो वाटरफॉल जो थे वो काफ़ी छोटे थे लेकिन छोटे बारिश की वजह से भी बड़े हो चुके थे। महादेव का नाम लेके जयकारा लगा के हम धीरे धीरे उसे क्रॉस करते हैं। पैर इतने ठंडे हो चुके थे और रास्ता इतना ज़्यादा गीला हो चुका था कि उससे उतरना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आता है हमारा जो सबसे बड़ा वाटरफॉल था वो, जो कि तीसरा। कैसा लग रहा भीग के? हमें पहुंचना तो भीम द्वार था पर हैवी बारिश के चक्कर में देखो सब लोग यहाँ पे हैं। आंटी भी चढ़ रही हैं, ये अंकल देखो हर हर महादेव, और ये तो सारे बैठे हुए हैं। क्या करें, प्लान तो हमारा भीम द्वार तक का था पर हैवी बारिश ने रोक दिया हमें, तो बस रुक गए यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली प्रिकॉशंस लेना थोड़ा अच्छी बात है। और ये देखो भाई साहब, यहीं पे आज हमारा खाना वाना चलेगा, सब लोग यहीं यात्री हैं। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी, बहुत प्रॉब्लम है। सुबह 8 बजे से लेके अब तक 4 बज चुके हैं, अभी तक बारिश रुकी नहीं है। 8 बजे से 4 बजे तक बारिश, भाई साहब देखो। हाँ क्या बात है, आप लोग 8 बजे से इधर ही हो? जी, नीचे जाने ऊपर। मैंने तो बाहर जाना है, आप भी आ गए, पूरा ऊपर क्या बड़ा है ऊपर, और अभी तक ऊपर नहीं गए, बहुत ज्यादा। नहीं कोई नहीं, वो कल चढ़ लेंगे, ठीक है, टाइम है, ऑप्शन है हमारे पास, दर्शन करने हैं तो दर्शन करना है, सही बात है, जल्दबाजी तो है ही नहीं। तो अभी ये देखो सिर्फ यात्री लोग जो हैं इधर से आ रहे हैं क्योंकि यात्रा बंद हो गई ना। अच्छा, आप लोगों ने दर्शन कर लिए? ओके, चलिए हर हर महादेव। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी यहाँ से ऑफिशियली स्टेटमेंट ये आ गया है कि 2 दिन के लिए यात्रा जो है नीचे से ऊपर बंद कर दी गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब है। तो जितने यात्री नीचे जाने वाले हैं उतने यात्री जो है वो सिर्फ जाएंगे। हर हर महादेव। आपके दर्शन अच्छे हुए? चलिए, हमारे लिए रोक दिया गया, रिस्की तो है लेकिन आप लोगों को देख के हिम्मत आ रही है। ऐसी हिम्मत रखेंगे। हाँ, मौसम 2 दिन तो वैसे भी बंद है ना। तो भाई साहब, ऊपर का रास्ता जैसे आप लोगों ने देखा है, यात्रीगण बता रहे हैं सारा कि काफ़ी रिस्की है और काफ़ी अनहोनी भी हो रही है, कुछ लोग हो गया धोखे से, बताना तो नहीं चाहते हैं लेकिन हाँ रिस्की है तो रिस्की है। बाकी अब देखो यहाँ पे, अभी मैं आपको अगर सीन दिखाऊं तो ये देखो सामने का ग्लेशियर है जिसे हमें क्रॉस करना है, और वो बंदे जो आने वाले हैं वो देखो किस तरीके से आ रहे हैं, ये देखो। और मौसम की बारिश और मौसम का ये हिसाब ऐसा है कुछ कि भाई बादल वो भाई साहब खतरनाक वाले हैं पूरे, कि कोई चांस नहीं है आप रिस्क लेने का। तो हम भी देखते हैं, आप 2 दिन तो यात्रा बंद हो गई है, या तो आप नीचे चले जाएं वापस या फिर जो है कि आप जो है 2 दिन वेट करें और उसके बाद अगर मौसम खुलता है तो ऊपर की यात्रा करें। ये हमारे टेंट्स हैं और बहुत तेज, अभी भी मैं ऑलमोस्ट 60% गीला हो चुका हूँ। बाकी ये देखो यहाँ पे सारी इमरजेंसी सेवा भाई लोग बैठे हुए हैं, ये लोग, ये देखो हर हर महादेव। तो भाई लोगों, ये देखो सारी इमरजेंसी सेवा यहीं रोकनी पड़ी थी क्योंकि अब ऑफिशियली भाई बता दिया उन्होंने कि 2 दिन नहीं जा सकते ऊपर, उतरना है तो उतर जाओ वरना नहीं, अभी आंटी ने भी बताया मैं। तो चलो अभी 2 दिन के बाद बाकी हम लोग देखते हैं कि भगवान क्या चाहता है, जैसा हो आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। तब तक हम चाय पीते हैं, यही कर सकते हैं, बाकी भजन करेंगे, वार्तालाप करेंगे। ये देखो और इधर टेंट उखड़ने पे आ रहा है, ये देखो क्या आवाज़ें आ रही है, बारिश तूफान आ रहा भाई प्रॉपर वाला, समझ नहीं आ रहा क्या भाई, जूते चप्पल सब भीग रहे हैं वो, देख रहो टेंट कल रात को ऐसा लगा कि ये टेंट वेंट उखड़ जाएगा एक मोमेंट के लिए, कि भाई बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। ये आ गए हमारे नाश्ता 3 घंटे के इंतज़ार करने के बाद निष्कर्ष भाई, ये देखो भाई साहब बैठे हुए हैं, खाओ क्या किया जाए, एक बैठना खाना ही तो बचा है। क्या क्या सीन चल रहा है अभी यात्रा, मतलब सुना है बंद हो गई है?
बारिश ऊपर ऐसे ही हो रही है लगातार दो दिन से हो रही है। अच्छा अच्छा, आपके दर्शन हो गए? आप कहाँ से आ रहे हो? आप कहाँ से वापस आ रहे हो? अच्छा, पार्वती बाग संभेल रहा हूँ ना। अच्छा, भीम द्वार से आप वापस आए हो? आप ऊपर से आए हो? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा पार्वती बाग से भी ऊपर लौट के आए? हाँ, यहाँ रुकने की व्यवस्था है, रुक सकते हैं। हाँ हाँ, पांच डेथ हो गई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई साहब अब जैसे क्या किया जाए, भोले की नगरी में भोले की ही चलेगी, इस वजह से हमने बहुत कोशिश की कि हम आगे बढ़ें, पर जैसा कि आप लोगों ने देखा, सुनने में आ रहा है कि ऊपर कुछ डेथें भी हो गई है और बारिश भी तो पिछले 30-40 घंटे से रुकी नहीं रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। तो अब क्या किया जाए, जब यात्रा आगे धीरे हो रही है, सब लोग यात्री वापस आ रहे हैं, जैसे ही हम अपने टेंटों से फैसला करते हैं सारे लोग मिलकर कि हम वापस चलते हैं, और आगे पहुंचते ही जिस वाटरफॉल को हम क्रॉस करके आए थे, तीसरा वाला, और इधर से वो पहला, इतना विशाल काय हो चुका था कि उसमें उसका फ्लो इतना ज़्यादा हो चुका था कि समझ नहीं आ रहा था अब जाएंगे तो कैसे निकलेंगे इससे। मन उदास लेके हम वापस तो जा रहे थे, इस दृश्य को देखने के बाद तो हम वापस बढ़ रहे थे, और आप लोग देख पा रहे होंगे इस झरने का शोर, इस झरने का प्रवाह कितना भयानक और प्रचंड रूप में है। सभी लोग जयकारा लगाते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए धीरे 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 कदम बढ़ाए जा रहे थे, क्योंकि इसमें न पैर रखने का जगह दिख रहा था और पानी बहुत ही ज़्यादा चिल्ड था, इतना ज़्यादा कि उसमें आप 10 सेकंड से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरे ने मिलकर एक दूसरे का साथ इतना दिया कि हमने ये रास्ता क्रॉस किया। तो भाई साहब, ये क्रॉस करना है, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है ये, पूरा का पूरा तीन वाटरफॉल। तो यार, एक आज नई सुबह है, हम काली घाटी पे थे और बारिश रुकने का वेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक वही हाल है कि आप लोग देख पा रहे हो कि बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है कि हमें नीचे जाना है तो जाना है। अब उतराई है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस भाई लोग सारे तैयारी कर रहे हैं, ये देखो, हर हर महादेव, हर महादेव, ये हमारे मैक्स भाई हैं। भाई इनके टैटू देखो, इनके टैटू आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे। तो ये देखो भाई साहब, इनके टैटू दिल्ली से ही है, ये मैक्स भाई, क्या नाम से अपना? देसी टूर पे इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों भाई। हमारा भी इत्तेफाक से कोई रेनकोट ले गया, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब आवाज़ भी सुनाई पड़ रही होगी आप लोगों को। तो ये देखो, तीन दिन से लगातार बारिश हो ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अगेन अब देखो, हमने जुगाड़ बनाया, ये पन्नी सर पे डाल के यहाँ से चलेंगे, क्या करें भाई साहब, निकलना तो है ही। तो चलो, हर हर महादेव का नाम लेते हैं, ठीक है, और यात्रा अपनी स्टार्ट। हर हर महादेव, हर महादेव। तो भाई साहब, हर हर महादेव, ये देखो आप लोग नजारा, कि दोनों साइड खाई, जब हम आए थे तब यहाँ सूखा था, और अब हम आए हैं तो ये देखो यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फूल, व्हाइट कलर के, ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ की। हाँ, ये सारी जड़ी बूटियाँ, और बोला जाता है इनको हाथ ना लगाया जाए। हाँ। काली घाटी से नीचे उतरने के बाद जैसे जैसे हम वापस बेस कैंप की ओर बढ़ रहे थे, जाओ विलेज, जो रास्ता इतना सुंदर और इतना अच्छा दिख रहा था, वो उतना ही भयानक दिख रहा था। तो भाई साहब, फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं बराती नाला, और जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा ख़राब है कि ऊपर तो ग्लेशियर फटे फटे, नीचे मैं आपको अगर दिखाऊं तो नज़ारा बहुत ही भयानक है यहाँ पे। अगर आप लोग नज़र डालोगे यहाँ पे तो देखो, ये नदी का प्रचंड रूप देखो यहाँ पे, ये देखो भाइयों नज़ारा, मंजर, जो ग्लेशियर फटा है जिसकी वजह से सारी यात्रा जो बंद हुई है, कारण आप लोग देख पा रहे होंगे ये पूरा पानी कहाँ तक आ चुका है। इवन जो सामने आप लोग देख रहे हो रास्ता था हमारा वापस जाने का, वो सारा लैंडस्लाइड हो रखा है, ये बहुत, इसलिए रास्ता बदल के ना जंगल से बाईपास किया जा रहा है। वैसे अब हमें 10 मिनट लगते और हमें आधा घंटा लगेगा, देखो इसका क्या नज़ारा है। तो भाई लोग, फिलहाल हम लोग आ चुके हैं निरमड़ में, जो कि जाओ विलेज से करीबन 15 किलोमीटर दूर पड़ता है,
क्योंकि यात्रा खत्म होने के बाद वहाँ पे जहाँ पे हमें रुकना था वहाँ पे ऑलमोस्ट यात्रा बंद होने के कारण काफ़ी यात्री जो थे वो वहाँ पे मतलब हाउसफुल हो रखे, सारे होटल जो थे वो फुल थे, इस वजह से हमें वहाँ रुकने का जगह नहीं मिली। और जब वहाँ से निकले तो भाई अच्छी बात है वहाँ से निकल गए, क्योंकि वहाँ पे जो ग्लेशियर फटा है और बारिश के चक्कर में ना रोड रोड पे काफ़ी वाटरफॉल गिरे थे, जिससे हम बच बचा के महानिष्कर्ष काफ़ी अच्छे से आए हैं, क्योंकि काफ़ी जगह दलदल से बने हुए थे, काफ़ी जगह रोड टूटी हुई थी और ऊपर से बहुत तेज़ से वाटरफॉल गिरे थे। लेकिन हमें लगा वहाँ पे सेफ नहीं है, तो हम थोड़ा नीचे आके वहाँ स्टे किए जहाँ पे शिव गुफा है, जहाँ से महादेव जी घुसे थे श्रीकृष्ण महादेव के लिए, तो वहीं रुके हुए हैं। जहाँ पे ये एक प्यारा सा होम स्टे है, शशि होम स्टे के नाम पे। सुबह मॉर्निंग में दिखाऊंगा यहाँ का कितना प्यारा व्यू है भाई साहब, बहुत ही मज़ेदार, देख के दिल खुश हो जाएगा आपका। और बाकी रही बात आगे की अपडेट्स, मैं आपको सारा बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।